छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा में भी आज उपचुनाव हुआ, मगर शहर की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर जनता की उदासीनता बहुत कम मतदान के रूप में सामने आई है। इस बार रायपुर दक्षिण में पिछली बार के मुकाबले करीब 10% कम मतदान हुआ। वोटिंग के स्लो टर्नआउट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर तनाव दे दिया है, मगर क्यों, देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा में आज मतदान हुआ। जनता ने रायपुर दक्षिण के लिए अपना नया विधायक तो चुन लिया है, लेकिन प्रत्याशियों का भविष्य अभी मशीनों में ही कैद है। लेकिन इस बीच मतदान प्रतिशत ने सभी को चौंका दिया है। इस बार रायपुर दक्षिण में करीब 10% कम मतदान हुआ। साल 2008 में यहां करीब 62% मतदान हुआ था, 2013 में 66% से ज्यादा, 2018 में 61% से ज्यादा, 2023 में 60% से ज्यादा मतदान हुआ था। लेकिन इस बार साल 2024 के उपचुनाव में 50.50% ही मतदान हुआ है। रायपुर दक्षिण में कम मतदान को कांग्रेस जहां अपनी जीत के रूप में देख रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि जितनी वोटिंग हुई है वो कांग्रेस के खिलाफ है। जनता ने हमारे विकास पर अपना आशीर्वाद दिया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और रायपुर दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री सुनील सोनी जी वो जीत रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस ने चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत लगा दी और उनके जीत के दावे अब भी बरकरार हैं। एक नजर दक्षिण विधानसभा के राजनीतिक इतिहास पर भी डालें तो यहां 2023 में बीजेपी ने बाजी मारी थी। बृजमोहन अग्रवाल यहां से 8 बार विधायक रहे। सांसद बनने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने इस सीट को छोड़ा और इसीलिए यहां उपचुनाव हुआ। कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल के चुनावी रण में रहने से वोटिंग प्रतिशत देखकर किसी को भी अंदेशा हो जाएगा कि ये सीट बीजेपी ने जीत ली है। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में बृजमोहन अग्रवाल नहीं, बीजेपी और कांग्रेस की ओर से दूसरे प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत किसकी तरफ झुकता है, ये सवाल सस्पेंस से भरा हुआ है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के वोटर बड़े उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के जो उन्होंने 100 दिन में जो वादे पूरे किए, उन माताओं बहनों ने महतारी बंधन का जिनको लाभ मिल रहा है, जिनके प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, इन और जिन किसानों ने धान बेचे हैं जिनको धान का बोनस मिला है, ऐसे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दे रहे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का मतदान पूरा हो चुका है, मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग कर लिया है। 23 नवंबर तक प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद रहने वाला है। बृजमोहन अग्रवाल के चुनावी रण में नहीं रहने से ये उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि जनता अपना नया विधायक किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में दोनों सीटों पर मतदान प्रतिशत सम्मानजनक रहा, मगर रायपुर की शहरी सीट पर मतदाताओं की उदासीनता क्यों रही, ये बीजेपी के चुनाव अभियान संचालकों को सोचना होगा। मगर इसमें कोई दोमत नहीं कि कांग्रेस ने बीजेपी की इस परंपरागत सीट पर नए युवा प्रत्याशी को उतारकर टक्कर तो कड़ी दे दी है।